तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तुषार गैलरी इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि अहिल्या देवी होलकर, इनकी 31 मई को उनकी जयंती है। इसके बारे में मैं ज़बरदस्त और बेस्ट बैनर डिज़ाइनिंग कर दिया है, जिसकी मदद से आप उस पिक्सार्ट में भी पिक्सार्ट के लिए खास तरीके से बनाया है, मैंने मोबाइल के लिए खास तरीके से वो बैनर बनाया है। वो बैनर फुल HD है, जो कि आपको बहुत ही क्रिएटिव लगने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपको। तो दोस्तों देख लो, बैनर में जूम कर करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी फट नहीं रहा है, बहुत ही शानदार है। जो कि मैंने ये जो बैनर तैयार किया है, जिनको बैनर डाउनलोड करना होगा वो बैनर डाउनलोड कर लेंगे। सिर्फ उनको पिक्सार्ट में जाके इधर फ़ोटो रखना होगा, ये ब्लैक बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ब्लैक बॉक्स पे फ़ोटो रखना होगा। और जिनको डायरेक्टली क्रिएट करना है अपने तरीके से, तो उनको उनके लिए मैंने बैनर मतलब जो मैं मटेरियल यूज़ किया है वो मटेरियल सब कुछ मैंने दे दिया है। तो देखो दोस्तों, ये जो मटेरियल है वो मैंने दे दिया है, बिल्कुल भी फट नहीं रहा है, ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू वाला बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दे दोस्तों, जिसकी मदद से आपको आपकी जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, उसका लाभ आप ले सके। इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राजमाता अहिल्या देवी होलकर, आगे बढ़ते हैं पुण्य श्लोक। ये देखिए क्रिएटिव टेक्स्ट किया है मैंने आपके लिए सिर्फ। तो ये देखो दोस्तों, ये बॉल के बीच में जो ब्लैक ब्लैक में हो गया है, वो जो बॉक्स दिया था आपको, जो फोटो अपना फ़ोटो रखने के लिए जो बॉक्स दिया था, वो बॉक्स इधर रखना है, बीच में वो बॉक्स रखा हुआ है, ब्लैक ब्लैक में मैच हो गया है, इसलिए आपको बॉक्स दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखिए, क्रिएटिव एकदम क्रिएटिव बैकग्राउंड मैंने तैयार किया है, वो बैकग्राउंड पर आप फोटो इमेज रख सकते हो। और इसके बाद ये देखिए अहिल्या देवी की फ़ोटो, जो कि बिल्कुल भी शानदार है, और इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छा बैनर क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, और एक इमेज जो कि बहुत ही क्रिएटिव है अहिल्या देवी की, बहुत ही शानदार तरीके से वे कटिंग करके रखी हुई है मैंने। तो ये देखिए, बहुत ही HD और क्रिएटिव टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही शानदार टेक्स्ट है। और डाउनलोड करके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी होगी, तो उस पे जाके आप क्लिक करके आप PNG सब डाउनलोड कर सकते हो, और जो बैनर दिया है वो भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और सिर्फ आपको अपना फ़ोटो रखना होगा, ऑटोमेटिकली जो बैनर तैयार हो किया होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ोटो रखना होगा। और दोस्तों और एक दिखाता हूँ, ये जो नीचे वाली लाइन होती है वो लाइन पे अपना नाम लिखना होता है, जो कि मैंने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, बिल्कुल भी पट नहीं रहा है, फुल HD है। और इसके बाद दिख रहा है आपको झंडा, जो झंडा पीछे लगाने के लिए दिया है मैंने, वो पीछे लगाने के लिए वो झंडा भी, झंडा की PNG भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अहिल्या देवी होलकर के ही बैनर आप डिज़ाइन कर सकते हो, दूसरों का भी बैनर आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये PNG डाउनलोड कर लो, आपको बहुत यूज़फुल होने वाले। तो दोस्तों यही पे सब PNG ख़त्म हो रहे, तो मैं एक बार और एक दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, शानदार तरीके से अहिल्या देवी का ऐसा बैनर आप तैयार कर सकते हो, नहीं तैयार कर सकते हो तो ये जो JPG मैंने आपको दिखा रहा हूँ वो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दूंगा। सिर्फ आपको इधर ब्लैक जो बॉक्स दिया है उस पर अपना फ़ोटो और रेड कलर की जो लाइन है उस पर अपना नाम लिखना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखना है, किसी को बना के देना है, किसी को क्या करना है, इस तरह से दे सकते हो आप शानदार तरीके से, फुल HD बिल्कुल भी फटेगा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी लाभ लेने दे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए हमारे YouTube चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और आपको पता था वो पिक्सार्ट में PNG कैसे ऐड करने हैं दोस्तों, तो चलते हैं पिक्सार्ट की तरफ दोस्तों। तो मैं पिक्सार्ट में आ गया हूँ दोस्तों, तो आने के बाद जो एडिट फ़ोटो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वो जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट करना है दोस्तों, मैंने वो बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फिर से जाऊंगा दोस्तों, मैं जाऊंगा ऐड फ़ोटो में,
ऐड फोटो में जाके दोस्तों ये जो PNG है वो मैं ऐड कर लूँगा, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा दोस्तों, इसे बड़ा कर लिया। ओके, इसके बाद दोस्तों जस्ट वेट दोस्तों, और इसे क्रॉप कर लेता हूँ पहले मैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर आ रही है बॉर्डर इस JPG में आ रही है, मैं इस PNG में आ रही है, तो इसको क्रॉप कर लेंगे इसकी मदद से। आपको बहुत ही शानदार और क्रिएटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने कर लिया क्रॉप, और ऐड फोटो में जाएंगे फिर से और दूसरा फ़ोटो लेंगे, ऐड करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, सॉरी दोस्तों, और इसको बड़ा करेंगे और इसको क्रॉप कर देंगे दोस्तों। इसको क्रॉप करने के लिए जो बाजू वाली जो ये बॉर्डर वो आनी नहीं चाहिए, तो मैंने किया क्लिक, बड़ा किया इसको थोड़ा, बड़ा करने के बाद इसको रखा इसके ऊपर, और इसके बाद हुआ ये एक लेता हूँ, थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए बहुत ही क्रिएटिव तरीके से ये बैनर तैयार हो रहा है, इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाऊँगा, ऐड फोटो में जाके इसको जो है वो पीछे लगाने वाला हूँ मैं दोस्तों, पीछे लगाना था। आप ऐसी गलती नहीं करना, मैं ऐसे सुधार दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जाऊँगा इसी तरह से, आपको ऐड करने हैं वो फोटोज़, और इसको भी क्रॉप कर लेना है, बॉर्डर आ रही है, उस बॉर्डर नहीं आनी चाहिए दोस्तों PNG में। तो दोस्तों मैंने ऐड कर लिया है, आखिरकार इसको ओके कर दिया है। इसके बाद होगा ऐड फोटो में जाके फिर से आपको एक रेड जो नाम है, नाम वाले PNG वो आपको ऐड करने हैं दोस्तों, और मैंने तीनों सिलेक्ट करके ये इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया दोस्तों, राजमाता होड़कर इसको इधर रख दिया दोस्तों, और इनको क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि ये जो बार बार बता रहा हूँ ये बॉर्डर नहीं आनी चाहिए दोस्तों, इसकी मदद से, और इसको भी क्रॉप कर लेते हैं। और क्रॉप करने के बाद इसको भी रख दिया मैंने ऐसे, और इसको भी क्रॉप कर लेते हैं दोस्तों, इसको भी मैंने क्रॉप कर लिया है आखिरकार, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करने के बाद इधर रख ही देते हैं दोस्तों, इधर रखने के बाद इसे क्लिक कर देते हैं, इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, इसको ऐसा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, इसको रखते हैं यहाँ पर, और इसको रखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी और एक ऐड फोटो में जाऊंगा, इसके बाद जो रेड कलर की जो लाइन है उसको सिलेक्ट करूंगा दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करूंगा, उसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा दोस्तों, ये थोड़ा ये हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा और इसको इधर रख दूंगा दोस्तों, इसको बड़ा करके रख दूंगा दोस्तों इधर। दोस्तों मैंने इधर रख दिया है इसको, और फिर से ऐड फोटो में जाऊंगा, जो ब्लैक बॉक्स लिया था, ब्लैक बॉक्स आपको दिखाया था मैंने, और ब्लैक ब्लॉक्स दिखाना है आपको। तो दोस्तों जो नेम वाला नेम है PNG वो मुझको फिर से ऐड करना पड़ेगा, नहीं आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आता है रेड कलर की बॉर्डर, रेड कलर की बॉर्डर नहीं आ रही है दोस्तों, तो मैं फिर से ऐड करता वो इमेज। ओके, रेड कलर की बॉर्डर लेता हूँ दोस्तों, रेड कलर की बॉर्डर इसको क्रॉप करता हूँ, क्रॉप करने के बाद ओके करता हूँ, और इसको जो है वो नीचे लाता हूँ थोड़ी बड़ी करके, अगर बड़ी कर दी है मैंने, और इसको क्रॉप कर लेता है थोड़ा,
ब्लैक बोर्ड, बोर्ड जो मैंने ले लिया है बहुत ही क्रिएटिव, इसको भी क्रॉप कर ही लिया है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाके इमेज के लिए यहाँ पर रख दिया है दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको भी थोड़ा। तो मैंने रख दिया है ब्लैक बॉक्स को, ओके। वो जो राजमाता का फोटो है उसको, मतलब जो नेम है टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। और ये देखो दोस्तों, शानदार तरीके से हमारा बैनर तैयार हो गया है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप बैनर तैयार कर सकते हो, और मैं इसको ओके कर ही देता हूँ। करने के बाद आपको शानदार तरीके से क्रिएटिव बैनर एडिटिंग पिक्स आर्ट में आपको तैयार करके दिखाया है मैंने। तो इसी तरीके से आप तैयार कर सकते हो, और इसके वजह से आप लाइट्स भी लगा सकते हो। ये जो लाइट्स है, लाइट्स भी आप लगा सकते हो। आपको कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है पिक्स आर्ट में ऑलरेडी दिए होंगे वो लाइट्स, और लाइट्स आप डाउनलोड करके लगा सकते हो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, सब्सक्राइब करने के बाद बाजू वाला बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दे दोस्तों। इसी तरह की जो मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के रिलेटेड सब कुछ में तुषार गैलरी इस यूट्यूब चैनल में डालता रहता हूँ। मटेरियल यूज़ जो करता हूँ सब कुछ मैं डालता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो मेरी आने वाली वीडियो है आप तक पहुँच सके, आप उसका लाभ ले सके, इसीलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू वाला बेल आइकन उसको जरूर प्रेस कर दे, दो बार बता दिया मैंने। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो, ये पे स्टॉप करते वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो